नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान अकेडमी में। आज मैं आपके लिए लेकर आऊँ अग्रवाल से क्वेश्चन नंबर 35 से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि 34 तक मैं पिछली वीडियो में अपलोड कर चुका था क्वेश्चन। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 35 किस स्टेप से नहीं, ये देखिए। सुजित ने विकास से साधारण ब्याज पर 14% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए 6,300 रुपये उधार लिए। सुजित कोई व्यक्ति है, विकास से उधार ले रहा है, 14% पे 3 साल के लिए 6,300 रुपये ले रहा है। इसने उसमें कुछ और धनराशि जोड़कर मोहित को उतनी अवधि के लिए 16% वार्षिक दर पर सदल ब्याज पर उधार दे दिए। इस सारे लेन देन में सोहित को 618 रुपये का लाभ हुआ। उसने सोहित को कितनी धनराशि दी थी, ये देखिए। जैसे कि मान के चलो मैं आपसे 6,300 रुपये उधार ले रहा हूँ 14% से 3 साल के लिए, वही मैं दूसरे को दे दे रहा हूँ 6,300 रुपये 16% से। मैंने आपको आपसे लिए 14% से और मैंने उसे 20 साल मतलब दूसरे वाले को दे दिए 16% से। तो ये देखिए आपकी जो 14% की ब्याज है उससे तो मुझे 14% की मिल ही रही है और 2% एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। यानी ये देखिए 6,300 से मुझे 2% एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, और प्लस मैंने जो अपनी राशि लगाई थी एक्स, ठीक है एक्स मान ले रहा हूँ, उसे मैंने अपनी राशि लगाई थी एक्स, और उस पर मुझे पूरा पूरा 16% ब्याज मिल रहा है, ठीक है। और ये देखिए टाइम भी दे रखा था 3 साल के लिए, इसलिए 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे। 3 साल में टोटल टोटल मुझे फायदा जो हुआ है उसमें दे रखा है आपको 618 रुपये का। तो ये 618 रुपये यहाँ पे लिख दूंगा। बस आपको क्या करना है, 0 से 0 कैंसिल करनी है, 3 दूनी 6, 6 का मल्टीप्लाई 63 से करोगे तो 6 18 1, 6 36 और 1 37, 378 रुपये यहाँ पे हो गए। और यहाँ से इसे 16 3 48 यहाँ पे हो जाएंगे 48 x/100 बराबर के 618। ये 378 प्लस के उधर हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे 378। आप इन्हें माइनस करोगे तो ये देखिए 8 में 7 जाएंगे 0, 11 में से 7 जाएंगे 4 बचेंगे, और 5 में से 3 जाएंगे क्योंकि ये कैरी कर चुके थे, यहाँ पे बचेंगे 2 240 रुपये। अब ये देखिए एक्स की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, ये 12 से काट ले रहा हूँ, 12 12 चौक 48 और 12 दूनी 24 20, और 4 से काट ले रहा हूँ 5, 4 5 20, 100 डिवाइड कर रहा हूँ उधर मल्टीप्लाई करेगा तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 500 रुपये, ठीक है। एक्स की वैल्यू 500 रुपये आ जाएगी, 500 रुपये। तो 500 रुपये मैंने अपने मिलाए थे कितने में, सामने वाले को मोहित को दिए थे कितने, 6,300 तो दिए दिए थे और 500 और दिए थे, तो कुल राशि दी गई थी मोहित को। बस आपको क्या करना है, 6,300 में बस 500 जोड़ने हैं। 36 है क्वेश्चन नंबर 36 में, ये देखिए आपको राशि दी गई है 14,500 रुपये और मिश्र धन दे रखा है 21,460 रुपये। तो 21,460 रुपये में से 14,500 रुपये निकाल दोगे तो ब्याज क्या आ जाएंगे, तो निकाल दोगे 0 6 14 में से 5 जाएंगे तो 9, और 10 में से 4 जाएंगे तो आपके बचेंगे 6। ये ब्याज के आ गए, ब्याज का फॉर्मूला लगाना है आपको, ब्याज बराबर के मूलधन, मूलधन ये था आपका 14,500 14,500, मूलधन गुणा दर नहीं दे रखी और टाइम दे रखा है 6 साल, अकाउंट के 100 कर लोगे, 00 से 00 ये खत्म हो जाएंगे यहाँ पे, और 6 से 6 कैंसिल कर लोगे, 6 से 6 कैंसिल करोगे, 6 कम 6 6 कम 6 3, 6 6 36 0, और 145 ऐसे काटोगे 1160 को तो ये कटेगा 8 बार, तो 8 बार घटा रेट आ गई आपकी 8%। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 37 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 37 37, क्वेश्चन नंबर 37 है, एक महाजन एक ग्रामीण को 4,000 रुपये 3 वर्ष के लिए उधार देता है। इसके कुछ भाग पर साधारण ब्याज की दर 10% तथा शेष भाग पर यह दर 12% है। 3 वर्ष बाद उसे कुल 5,350 प्राप्त हुए। 5,300 4,000 दिए थे और उसे लास्ट में मिल रहे 3 साल बाद 5,350 5,350 5,350 रुपये। ब्याज कितनी मिली, 0 में से 0 और 5 की 5 और 3 की 3 और 1, 1,350 रुपये ब्याज के मिले हैं, और वो भी मिले आपको 3 साल बाद। तो 1 साल की ब्याज निकाल लोगे 3 का डिवाइड कर दोगे तो 3 6 12, 1 3 5 15 0, 450 ब्याज के हो गए, ऐसा ही हो गए 1 साल के, 450 1 साल की है। रेट निकाल सकते हो, रेट कितनी लग रही है, 450 ऊपर रखोगे और कितने पे, ब्याज कितनी थी 4,000 की थी, और मल्टीप्लाई 100 कर दोगे रेट निकालने के लिए, बस ये करना है आपको। 00 ये कैंसिल हो गए, 10 से 1 कैंसिल हो गए, तो 45/4% की ये रेट थी। अब आपको करना क्या है, 4 का डिवाइड दे लो यहाँ से, यहाँ पे 4 एकम 4 और 4 एकम 4 बचा 1, 4 दूनी 8 4 5 20, 11/25। अब ये देखिए यहाँ पे करना क्या, जब 2 2 परसेंटेज दे रखी हूँ आपको तो यहाँ पे ये देखिए क्वेश्चन में कहा गया था, एक पे तो 10% की ब्याज पे और दूसरे पे 12% की ब्याज पे दिए गए थे। 10% लिखना है आपको और ये 12% लिखना है, और कितना है बीच में आया है, 11.25% आया है, इनका डिफरेंस लेना है। इनका डिफरेंस लोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 0.75 आएगा, और यहाँ पे लोगे तो 1.25 आएगा,
पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दोगे, आप 25 से काट लोगे, 25 थी 75 और 25 पंजे 125 आएगा, 3:5 के अनुपात में राशि दी गई थी, ठीक है, राशि थी। अब ये 12% पर दी गई राशि कितनी है धनराशि, ये देखिए 5 और 3 कितने हो गए 8, 4000 रुपए इस राशि में बांटे गए थे 8 में टोटल, और इसकी 12% की कितनी है 5 यूनिट है, 5 का मल्टीप्लाई कर दो बस यहाँ पे आंसर आ जाएगा, 8 से काटोगे 5 बार, 5 × 40 होता है, और पचम 25 और 00 पीछे आ जाएंगे ये वाली, ये सॉल्व कर लोगे तो, यानी 2500 रुपए दिए गए थे जो 12% राशि पे दिए गए थे। बढ़ते आगे, आपका क्वेश्चन नंबर 38 है, 38 वाला क्वेश्चन ये किस्तों वाला है, क्वेश्चन में कहा गया है कि साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष बाद दे 848 के ऋण के निपटान हेतु वार्षिक भुगतान कितना करना होगा। वार्षिक भुगतान यानी वर्ष का भुगतान की बात करें तो किस्त वाला क्वेश्चन है, आपकी ब्याज थी 4% की फ्रैक्शन तोड़ लोगे 4/100 होता है, तो 4 × 4 और 4 से काटोगे 25 बार, 1/25 है, यानी 25 रुपये मूलधन है, तो इस पर एक ब्याज देनी है। ये देखिए पहली साल किस्त वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं, कैसे नहीं, इजी ट्रिक है और कुछ नहीं है, देखो 25 है और ये देखिए कि 4 साल तक देना 25 25 25 25 मूलधन मान लो, यहाँ पे बस आपको इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस यहाँ पे 0 लिख दो, 0 के बाद पहले साल में 0, दूसरे साल में 1, बस गिनती लिख दो 1 2, वो फिर उसके बाद आएगा 3, इतना करना। 25 में 0 जोड़ोगे तो 25 ही रहेगा, 25 में 1 जोड़ोगे 26 होगा, 25 में 2 जोड़ोगे 27 और 25 में 3 जोड़ोगे 28। यहाँ पे ये देखिए मिश्रधन निकल रहा है ये वाला, और ये यहाँ पे जो निकाल रहे हो ये आपका मूलधन है 25 25 25 25, यानी पूरे 100 रुपए। तो यहाँ पे जोड़ोगे 25 26 27 और 28 को जोड़ोगे 8 7 15 15 और 6 21 और 6 5 26, यानी 2 2 4 6 8 और 2 10, 106 हो गए, ठीक है। अब जानना चाहता है प्रत्येक किस्त ये 25 की ये मान ली जाएगी, तो यहाँ पे आपको दे रखा था, आपको ये मिश्रधन दे रखा था इस वाले क्वेश्चन में 848 का दे रखा था, 848 मिश्रधन, हमारे हिसाब से मिश्रधन कितना है 106 का डिवाइड कर दो और प्रत्येक किस्त 25 की लेते हुए 25 का मल्टीप्लाई कर दो, आप इसे सॉल्व कर लोगे तो ये देखिए इसे कैंसिल करोगे 6 से कट रहा है 6 × 6 = 4 6 × 36, 2 से काट 4 से काट लो 4 से कट जाएगा, 4 × 8 2, ये ऐसा कीजिए 2 से काट लो, 2 × 5 = 10 और 2 × 3 = 6 और 2 से काट लोगे और 2 × 8 = 2, 2 × 4 और 2 × 8। अभी देखिए 53 के पहाड़े में 424 कितनी बार आता है, तो ये देखिए आपको क्या करना है, 3 के पहाड़े में 4 का आता है, 3 × 12 = 3 × 5 = 15 3 × 6 = 18 3 × 8 = 24 8 का मल्टीप्लाई करके देखूंगा तो 8 × 3 = 24 यानी 2 8 × 5 = 42 यानी 8 बार काट देगा ये इसे 8 बार और 25 अट्टे होते हैं 200, प्रत्येक किस्त 200 रुपए की थी, आपका राइट आंसर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 39 है, ए ने बी को 1.5 वर्ष बाद 1573 देने हैं तथा बी को ए के 6 महीने बाद 1444.50 रुपए देने हैं, यदि साधारण ब्याज की दर 14% वार्षिक हो तथा अभी एक दूसरे के कर्ज का निपटारा करना हो तो किसको कितने रुपए देने होंगे। तो ये देखिए ए को बी के 1.5 वर्ष बाद देने ना, ए को ये मिश्रधन दे रखा है, ये रियल वैल्यू दे रखी है आपकी 1573 रुपए मिश्रधन है, इतने देने हैं ब्याज लगा के देने हैं, तो मिश्रधन कैसे निकालते हैं हम, मूलधन को क्या मानते हैं 100 और प्लस ब्याज और देनी है, मतलब मूलधन देना ही देना है और ब्याज देनी है, यानी मिश्रधन निकल के आ जाएगा, मिश्रधन की एक यूनिट निकल के आ जाएगी, यूनिट में रियल वैल्यू में इसके डिवाइड करना है, और ये देखिए 1.5 साल के कितने हो जाएंगे 14% ब्याज से, 14% ब्याज से आपके 1.5 साल के, 1 साल के 14 और आधे साल के 7, 14 और 7 कितने हो गए 21 और मिल जाएंगे यहाँ पे, तो ये आपको हो जाएंगे टोटल मिश्रधन 121 हो जाएगा, 121 से काट लो, 11 से काटोगे 11 बार कटता है, और 11 से काटोगे 11 × 11 और बचे 4, 11 × 4 = 44 बचे 3, 11 × 3 = 33 और 11 से काटोगे 11 × 11 और आपके बचे 3, 11 × 3 = 33 यानी 130 आ जाएगा, ठीक है, यानी 13 आ रहा है 13, और यहाँ पे परसेंटेज में कंप्लीट कर लेना, परसेंटेज में निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 1300 आ जाएगा। अब ये देखिए बी की वैल्यू निकालनी है, अब बी को कितने देने हैं, अब इसमें बात कर रहा है बी को 6 महीने बाद, 6 महीने की बात कर रहा है, 1444.50 रुपए देने हैं, मिश्रधन है 1444 रुपए
1444.50 रुपये। मिश्र धन कैसे निकालते हैं? प्रिंसिपल प्लस के ब्याज। 1 साल की 14% है तो 6 महीने की ब्याज कितनी होगी? 6 महीने की 7% होगी, 7 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 107 हो जाएगा टोटल मिला के, 107। अब इस कैंसिल सॉल्व कर लोगे, पॉइंट उठाओगे, पॉइंट से 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 1 जीरो यहाँ पे कैंसिल कर लोगे। अब 1070 का डिवाइड 1444.50 में दोगे तो आपका आ जाएगा 1350 आ जाएगा। डिवाइड करके देख लेना, ठीक है, 1350 आ जाएगा। और 1350, अब इससे दोनों को फैसला बराबर करना है तो इससे कितने वापस करने हैं, यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है, बराबर करने के लिए 50 रुपये यहाँ से हटाने पड़ेंगे, यानी 50 रुपये देने हैं, ये आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आशीष ने कुछ धन उधार लिया जिस पर ब्याज की दर पहले दो वर्ष 6% थी, अगले 3 वर्ष 9% थी, 9% वार्षिक तथा इसके बाद 14 वार्षिक थी। तो यदि 9 वर्ष बाद उसने कुल साधारण ब्याज 11,400 दिया, साधारण ब्याज दे रखी है 1,100, 11,400 रुपये, 11,400 रुपये साधारण ब्याज के। आपको क्वेश्चन नंबर ये है, ये आपका 39 था। अब क्वेश्चन नंबर बात कर रहे हैं हम 30-40 की, ये साधारण ब्याज ऐसा ही दे रखी है। अब ये देखिए यूनिट का डिवाइड करना है, अभी 2 साल के लिए 6%, 2 वर्ष के लिए 6%, 6 दुनी 12% ब्याज यहाँ से मिल गई, और बोल रहा है अगले 3 वर्ष के लिए 9%, 9 दिए 27, 27 की ब्याज यहाँ से मिल गई, ठीक है, और तथा इसके बाद 14%। 9 साल में 3 और 2 कितने हो गए? 5। 9 साल बनानी है, 4 और लेना पड़ेगा, टोटल 9 साल हो गई है, 3 और 2 5, 5 में 4 जोड़ने पड़ेंगे, ये भी तो 9 साल होंगे, और ये बचे हुए जो ये 4 आए हैं इसमें ले रहा है वो 14%, तो टोटल 9 साल की हो गई, 9 साल की ब्याज, और 9 साल की ब्याज उसे 14,11,400 रुपये दिया, तो उसने कुल कितना धन उधार लिया था? तो ये देखिए 14 चौक 56 होते हैं, यहाँ पे इन सभी को जोड़ लोगे, ये ब्याज के हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे देखोगे 7 और 6 13, 13 और 2 15, यहाँ से लगी 1 5 और 2 7 और 1 8 और 1 9, 95 आ गए, ठीक है। 95 का डिवाइड कर दो यहाँ पे और मल्टीप्लाई कर दो 100 का। अब 19 से काटोगे, 19 पंजे 95, और 19 से काटोगे, 19 छिंगे 114। अब ये देखिए, अब यहाँ से इसे कैंसिल कर लोगे तो 5 से 5 से इसे कैंसिल करोगे, ये आ जाएगा आपका 25 बार, 5 से काटोगे 20 बार आ जाएगा। अब 6 दुनी 12 और 2 और ये 3 जीरो यहाँ पे आ गई, 12,000 रुपये थे, ये आपका राइट आंसर है। आपका क्वेश्चन नंबर है 41। 41 में ये देखिए, एक्स का साधारण ब्याज 22 है, 22 यानी फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज 22 की बात कर रहे हैं, इसका एक्स का यानी एक्स मूलधन है, और रेट आर मान लीजिए, टाइम टी मान लीजिए, अपॉन में 100। अब ये देखिए दूसरी बार कह रहा है कि 22 का साधारण ब्याज जेड है, जेड जे साधारण ब्याज है, 22 का मूलधन 22 है, रेट वही है जो यहाँ पे था, टाइम भी वही है, अपॉन के 100। तो ये देखिए अब रिलेशन जानना चाहता है, ऑप्शन दे रखे हैं आपको, आरटी की वैल्यू, बस यहाँ पे आरटी की वैल्यू लगा दी, आरटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे आरटी की, ये हो जाएगी 100 बाई, और ये अपॉन में एक्स आ जाएगा बराबर के आरटी। बस आपको क्या करना है, आरटी की वैल्यू बस इसमें पुट करनी है, तो जेड बराबर के 22 × 22 अपॉन में 100 है, और आरटी की वैल्यू कितनी निकाली थी आपने, 100 बाई अपॉन के एक्स, 100 से 100 कैंसिल हो गया। अब ये देखिए जेड एक्स उधर चला जाएगा, जेड एक्स बराबर के 22 × 22 स्क्वायर, ठीक है, तो 22 स्क्वायर और के जेड एक्स, ये आपका राइट आंसर है, ऑप्शन डी।